रेलवे हेडक्वार्टर्स में वजीर रेलवे शेख रशीद की ज़ेर सदारत इजलास, फ्रेट ट्रेन्स और पैसेंजर ट्रेनों, आईटी और इंजन्स की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे राना फहद से। जी राना फहद, आगाह कीजिए कैसे इजलास के हवाले से। जी बिल्कुल, वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद जो है वो आज लाहौर के दौरे पर हैं और इस दौरे के दौरान जो है वो रेलवे हेडक्वार्टर में एक अहम इजलास हुआ जिसमें सीईओ रेलवे मोहम्मद जो है वो आफ्ताब अकबर समेत रेलवे के दीगर अफसरान ने शिरकत की। इस इजलास में जो है वो फ्रेट ट्रेनों, पैसेंजर ट्रेनों, आईटी और इंजनों की सूरत हाल पर जो है वो वजीर रेलवे को ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर वजीर रेलवे का कहना था कि रेलवे इंतजामिया जो है वो मुसाफरों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात फराहम करे, जबकि रेलवे की जानिब से नई ट्रेनों के जो है वो चलाने का सिलसिला भी जारी रहेगा। जहां जहां जो है वो रेलवे को जरूरत होगी और जिस जगह पर जो है वो रेलवे की जानिब से हुकूमत की जानिब से वादे किए गए हैं उन जगहों पर जो है वो ट्रेनों का इजरा किया जाएगा, ट्रेनें वहां पर चलाई जाएंगी। और इसके साथ साथ जो है वो वजीर रेलवे की जानिब से तमाम अफसरान को हिदायत जारी की गई कि रेलवे स्टेशनों पर जो है वो सिक्योरिटी की सूरत हाल को मजीद बेहतर किया जाए। सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो रेलवे पुलिस के जवान जो है वो तमाम रेलवे की तंसीबात पर जो है वो तैनात किया जाए, जबकि इसके साथ साथ रेलवे अराजी को वागार करवाने के लिए जो जारी ऑपरेशन हैं उनमें मजीद बेहतरी लाई जाए और रेलवे की तमाम अराजी जो जिन पर काबजीन ने कब्जा किया है उसको जल्द अज जल्द वागार करवाया जाए। जी ठीक है, नई ट्रेनों को भी जल्द चलाया जाएगा, मुसाफिरों को मजीद सहूलियात भी दी जाएंगी। बहुत शुक्रिया राना फहद आपका।